हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। जैसा कि हमने कल के चैप्टर में पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस के बारे में और केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ा है, हालांकि मैंने अभी उस चैप्टर के अंदर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं बताया है। हम केमिकल इक्वेशन और कुछ केमिकल रिएक्शन को एक अलग से अलग वीडियो में डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एसिड बेस और साल्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, जो कि आपके क्लास 10th का सेकेंड लेसन है। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, एसिड बेसिस एंड साल्ट, मैं पहले हिंदी बता देता हूँ। एसिड्स का मतलब होता है अम्ल, बहुत सारे लोग इसको तेजाब भी बोलते हैं। तो एसिड का मीनिंग ये होता है अम्ल, और बेसिस का मतलब होता है क्षार, और साल्ट का मतलब होता है लवण। हिंदी में इसको नमक भी बोलते हैं, लेकिन साल्ट की जो मीनिंग है वो लवण ज्यादा सही है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो आज इसी पे बेस है। मैंने इस चीज़ को पहले लिख दिया है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि हमारे पास टाइम बच जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो के अंदर सीख सकें। ठीक है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को पहले लिख दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। चलिए वी शैल स्टार्ट नाउ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है, यानी आपकी क्लास 10th की जो प्रिपरेशन है वो रुकने नहीं पाया, खास करके केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो चीज़ों को मैंने, इसलिए मैंने आई हैव सेलेक्टेड केमिस्ट्री, ठीक है, कि केमिस्ट्री पहले हो जाए। हम ऐसे ही 24 या 25 वीडियो के अंदर सारी केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिएगा। लिखा है एसिड बेसिस एंड साल्ट, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है एसिड बेसिस एंड साल्ट। ठीक है, एसिड बेसिस साल्ट को हम अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है, मैंने एक बार पूरा लिख दिया है, हम इसको दो लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला लेक्चर मैंने आज लिख दिया है, ये पार्ट वन है, और इसके बाद पार्ट टू आएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, तो कम से कम हम दो लेक्चर में तो इसको खत्म ही करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड्स, जिसकी हिंदी में आपको बता चुका हूँ कि अम्ल बोलते हैं, और ये जो एसिड है वो हमेशा खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, SOUR, सोर बोलते हैं। सोर माने होता है खट्टा होना। ठीक है, तो एसिड जो है वो हमेशा खट्टे होते हैं, और आपने बहुत सारे चीज़ें खाई होंगी जिसमें एसिड्स होंगे, वो खट्टे होंगे, जैसे लेमन आपने खाया होगा, ठीक है, नींबू खाया होगा, संतरा खाया होगा, आपने इमली खाया होगा, ये सारी चीज़ें खट्टी होती हैं और इनमें एसिड्स पाई जाती है। ठीक है, जो ये एसिड्स होती हैं, ये जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक पेपर होता है, एक डाई होती है, डाई का मतलब कलर जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है लिटमस। ठीक है, तो लिटमस एक कलर होता है, एक डाई होती है, वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो होता क्या है कि जब हम एसिड को इस लिटमस पे डालते हैं, यानी इस ब्लू लिटमस पे डालते हैं, तो जो लिटमस का कलर ब्लू था वो रेड हो जाता है, पर्पल ब्लू उसको बोलते हैं। तो लिटमस का जो कलर होता है वो ब्लू लिटमस से क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? लिटमस का जो कलर होता है वो पर्पल होता है, यानी आप ब्लू पर्पल बोल सकते हैं। ये ब्लू लिटमस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो रेड में चेंज हो जाता है। अच्छा, उसी जगह पे अगर हम बेसिस को देखें तो बेसिस का मतलब होता है, बेसिस आर बिटर इन नेचर, यानी बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, जैसे कि मिर्ची। ठीक है, तो मिर्ची जो होती है कड़वी होती है, तो कड़वी होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सर बेस नाम का केमिकल पाया जाता है, इसलिए ये कड़वा है। और ये होता क्या है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, यानी अगर रेड लिटमस है तो उसको हम ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो जैसे ही रेड हो जाएगा, अब उसमें अगर हम बेस डाल दें तो फिर से वापस किस में हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा। ये मैंने आपको टेस्ट बताया कि आखिर एसिड और बेस को कैसे आप पहचानेंगे, ये बात बताएगी। लेकिन मैं आपको इससे पहले आपको कुछ नेचुरल बता देता हूँ, नेचुरल कलर्स बता देता हूँ जो एसिड और बेस के जैसा बिहेव करते हैं, यानी उनका नेचर एसिड या बेस जैसा होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है लिटमस पेपर, पहला मैंने लिखा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर अभी बताया लिटमस के बारे में, तो मैं उसको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि आखिर लिटमस होता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लिटमस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिटमस एक पर्पल डाई है। आप क्या बोलेंगे इसको? कि इट इज अ पर्पल डाई, यानी यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये क्या है? पर्पल डाई है, एक पर्पल यानी बैगनी कलर का एक डाई है, जिसको ऑप्टेन किया जाता है। ऑप्टेन का मतलब होता है जिसको प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा? लाइकेंस के द्वारा। ठीक है, लाइकेंस क्या होते हैं? तो आप बोलेंगे कि लाइकेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई। ठीक है, एल्गी प्लस फंजाई, यानी ये एक लिविंग किंगडम के दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट भी है, एनिमल भी, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसे एल्गी जो है उसको अलग रखा गया है। मैं आपको बताता हूँ क्या है, एल्गी को प्लांट के अंदर इंक्लूड किया गया है,
और फंजाई जो है उसको एक अलग किंगडम दिया गया है, ठीक है, ये आप उसमें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो एल्गी है, एल्गी है, और यहाँ पे बताया गया कि ऑप्टेन, भाई यहाँ पे जो एल्गी जो यहाँ मैंने लिखा है लाइकेन, इसके बारे में बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसके लिए जो हमारी बायोलॉजिकल वीडियो बनेगी, बायोलॉजी वाली वीडियो बनेगी, तो हम इस पर अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। बस अभी आप इतना जानिए कि इट इज ऑप्टेन फ्रॉम, यानी ये जो लिटमस है ये ऑप्टेन किया जाता है किसके द्वारा, तो आप बोलेंगे लाइकेन्स के द्वारा जो है वो ऑप्टेन किया जाता है, और लाइकेन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। अच्छा, ये लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा में आता है, थैलो का मतलब होता है थैलस, ठीक है, थैलो का मतलब क्या होता है, थैलस होता है, ठीक है, थैलस, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। अब थैलस क्या होता है, थैलस का मतलब होता है कोई ऐसा प्लांट जिसके अंदर ना रूट हो, ना स्टेम हो, ना ही लीफ हो। अब आप सोचेंगे ये कैसा प्लांट है जिसके अंदर ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इट इज ए टाइप ऑफ सेल, ठीक है, इसलिए इसे थैलस कहा जाता है, फाइटा में होता है प्लांट। तो लाइकेन जो होता है उसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होती हैं, ओनली सेल्स होती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो पर्पल डाई है ये ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ठीक है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उस चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके, चलिए हो रही है। यहाँ पे हमने जो बात बताई वो क्या थी, थैलोफाइटा दैट इज थैलस के बारे में हमने बात की, और लिटमस जो पेपर है, सॉरी लिटमस जो एक डाई है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, क्लियर हो गया। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, यानी कलर्स हैं, जैसे कि देखिए लिखा रेड कैबेज, एक लाल गोभी आती है, पत्तेदार गोभी जिसको बोलते हैं कैबेज, लाल पत्तेदार गोभी आती है और उसे हम बोलते हैं रेड कैबेज, पत्तेदार गोभी की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो लीव्स होती हैं उसमें कलर्स पाए जाते हैं। अगर आप उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, यानी उसको अगर मिक्सर मशीन के अंदर अगर उसको हम पीसें तो थोड़ा सा उसके अंदर रेड कलर जो है वो आता है। आपने देखा होगा अनार का भी जो जूस होता है उसके अंदर भी ऐसी स्थिति पाई जाती है, उसका देखिए कलर किस तरीके से होता है। अच्छा, आपने देखा होगा टर्मेरिक, तो ये जो ऊपर मैंने बताया रेड कैबेज लीव्स, ये भी एक प्रकार के कलर्स के रूप में बिहेव करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपने देखा होगा, कॉमनली सभी लोग देखे होंगे कि जिसे बोलते हैं टर्मेरिक, टर्मेरिक में होता है हल्दी। ये हल्दी क्या होती है कि जब आप किसी खाने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी जितने वेजिटेबल्स हैं जो मसाले के द्वारा बनाए जाते हैं, अगर आप उसको खाते हैं और उसके बाद अपने हैंडकरचीफ यानी अपने रुमाल के अंदर अपना हाथ पोंछ लेते हैं, तो आप देखेंगे जो टर्मेरिक है यानी जो हल्दी है उसका जो स्टेन है, उसका जो दाग है, वो उस रुमाल पे लग गया है। अब क्या करेंगे, अगर आप उस रुमाल को धोएंगे किसके द्वारा, साबुन के द्वारा, साबुन के द्वारा अगर आप धोते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी जो दाग पड़ा हुआ था आपने देखा होगा, अगर व्हाइट कलर पे आपने देखा होगा तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक। लेकिन ये तुरंत जैसे आप इस पे पानी ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी यानी प्लेंटी ऑफ वाटर डालेंगे तो ये जो ये क्या करेगा, रेडिश ब्राउन जट से यानी जो रेडिश ब्राउन कलर है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपने ज्यादा वाटर का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये बताया गया कि इसके अंदर जो कलर है वो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, नेचुरल कलर आर ऑल्सो एसिड एंड बेस, ठीक। आगे आ जाते हैं, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स होते हैं आप जानते हैं जो फ्लावर्स होते हैं वो रंगीन होते हैं, उनके अंदर कलर्स पाए जाते हैं, उनकी जो पंखुड़ियां होती हैं, उनके जो पेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे तीन मैंने फ्लावर्स के नाम लिखे हैं, एक का नाम है हाइड्रेंजिया, दूसरे का नाम है पिट्यूनिया और तीसरे का नाम है जेरेनियम, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया एंड जेरेनियम, ये तीन ऐसे फ्लावर हैं जिनके अंदर कलर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये कलर एसिड और बेस के जैसा जो है वो बिहेव करते हैं। चलिए, इसके अलावा तो मैंने जो ये बात बताई कि ये सब कलर्स हैं, ये हमें बताएंगे एसिड और बेस के बारे में बताएंगे, सबका अपने डिफरेंट कलर होता है। इसके अलावा तीन इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं इंडिकेटर्स का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं कि बाइक वाइक के अंदर इंडिकेटर लगे होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम लेफ्ट जाने वाले हैं या राइट जाने वाले हैं, वैसे ही यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स फेनोक्थिलीन है, मिथाइल ऑरेंज है एंड लिटमस, जैसा कि मैंने लिटमस नीचे बता दिया, मैं दो और बता देना चाहता हूं ऊपर, फेनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो इंडिकेटर्स हैं। अब इंडिकेटर्स यहाँ पे क्यों कहा गया, यहाँ पे इसलिए कहा गया कि ये जो आपके सामने जो केमिकल बनाए गए हैं या इन्हें जो इंडिकेटर कहा जाता है, ये हमें बताते हैं कि कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस है, ठीक है, यानी जब हम फेनोप्थिलीन या मिथाइल ऑरेंज में एसिड या बेस डालते हैं तो उनके कलर चेंजेस होते हैं, जो हमें ये बता देते हैं कि आखिर कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड जो है वो बेस है, ये हमें एसिड बेसिस और साल्ट जो है वो बताते हैं, क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमारी जो बात चलने वाली वो ये है कि व्हाट आर एक्चुअली एसिड्स,
देखिए आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है। तो आप जब एसिडिटी होती है तब एसिडिटी का मतलब होता है कि आपके स्टमक के अंदर आपके पेट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो एसिड है वो प्रोड्यूस हो गया है, यानी आपके पेट के अंदर ज्यादातर एसिड का प्रोडक्शन हो गया है जिसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट हो गई। अच्छा, उस एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम बेस का प्रयोग करते हैं क्योंकि एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, वो डिफाइन की जाती है या वहां पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए बहुत सारी दवाएं लेते हैं जैसे कि जेंटेक हुआ, ऐसे करके रेंटेक हुआ, ऐसी दवाएं जो है वो बेस लेते हैं और आपकी एसिडिटी को खत्म किया जाता है। नॉर्मली एसी लाख ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पहले हम एसिड्स पढ़ते हैं कि एसिड्स होते क्या है। देखिए एसिड एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एसिडम, और एसिडम का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा होता है, लेकिन खट्टा होना इस बात का सबूत नहीं है कि वो एसिड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि हम एसिड उसे कहेंगे विच गिव्स एच प्लस आयन इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर, यानी ऐसे कोई कंपाउंड जिनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता हो और वो एच प्लस प्रोड्यूस करते हैं, एच प्लस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम एसिड्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय अरहेनियस, ठीक है। यानी इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? अरहेनियस ने दिया था, इसलिए उसको बोलते हैं अरहेनियस थ्योरी। क्या बोलते हैं? अरहेनियस थ्योरी, ठीक है, अरहेनियस थ्योरी बोलेंगे। और अरहेनियस ने ही बताया था कि ऐसे कंपाउंड जिनको वाटर में डिजोल्व किया जाए और वो एच प्लस दे दें तो उन्हें हम एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखा गया है कि अभी मैं ऊपर बता भी चुका हूं कि जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू कलर मतलब ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लिखा भी है टर्न्स ब्लू इनटू रेड, ऊपर लिख दिया मैंने एक बार, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। फिर लिखा है टेस्ट सोर, उनका जो टेस्ट होता है वो क्या कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी दे फील टेस्ट सोर, ओके। एंड एसिड्स कोरोड मेटल्स, यानी एसिड कोरोड मेटल्स का मतलब होता है जब कभी भी एसिड्स वो मेटल पे डाला जाएगा, यानी एसिड्स को मेटल पे जब डाला जाएगा तो वो कोरोड करेंगे। कोरोड का मतलब होता है उस मेटल को डिस्ट्रॉय करेंगे। आप देखिए बहुत सारे जो एसिड्स होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं, ठीक है, इनका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही लिखा है कि एसिड जो है वो कोरोड मेटल्स, यानी एसिड जो है वो मेटल्स को कोरोड करते हैं, और इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाइए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को लिक्विड मीडियम के अंदर ये ट्रांसफर करते हैं, ये मेरा मतलब है। आगे आ जाइए, दूसरा जो यहाँ पे दिया गया, अच्छा इसमें थोड़ा बात बता देते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एसिड है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए लिखा है HNO3, फिर लिखा है H2SO4, HCl एंड HClO4, कम से कम याद आपको होना चाहिए। HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं, इसका नाम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका नाम है क्लोरेट, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरेट इसका नाम है। मैंने अभी जो बात बताई है कि ऐसा कोई कंपाउंड जो पानी में डिजोल्व होने पर H प्लस देता हो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। जिससे मैं थोड़ी देर के लिए अगर मानूं तो यहाँ पे देखिए H लिखा है HNO3, अगर मैं इस HNO3 को पानी में डिजोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा H प्लस प्लस NO3 माइनस, NO3 माइनस। अगर मैं इस H2SO4 को डिजोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा H2SO4 का हो जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही हम पानी में डिजोल्व कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे H प्लस दे रहा है और यहाँ पे 2H प्लस जो है वो प्रोवाइड हमें करा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एसिड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला जो है बेस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बेस क्या होते हैं बेटा? बिटर होते हैं। बिटर का मतलब कड़वे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मिर्ची जो होती है वो कड़वी होती है, उसके अंदर बेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? लिखा है विच गिव OH माइनस आयन, जो कि हमें OH माइनस आयन देता है वाटर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि H प्लस जो प्रोवाइड करते हैं उन्हें एसिड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो OH माइनस प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को डील कर लेते हैं। पहला लिखा है टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी जो रेड लिटमस जो पहले हो गया है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर हम इस पे बेस का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट लिखा गया है वो लिखा गया है कि टेस्ट बिटर, यानी ये इनका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? बिटर होता है, ठीक है, यानी इनका जो टेस्ट होगा वो बिटर होगा, ये काफी कड़वे होंगे। दूसरी चीज इसमें ये कही गई है
कि इट गिव्स आउट नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, ये लोग नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन इसको बोलते हैं OH माइनस। देखिए OH इज हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे जो बनाया गया है वो है नेगेटिव आयन। अच्छा, ये भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। इट गिव्स H प्लस एंड इट गिव्स चार्जेस, दैट इज कैटायन एंड एनायन व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर है, सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं ओनली इन लिक्विड स्टेट यानी एक्वस मीडियम। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ बेस के नाम लिख लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा है NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है MgOH2 दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बताया कि अगर हम NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या देगा, Na+ Na+ OH-। तो आप देखिए कि ये हमें OH- दे रहा है, इसका मतलब होता है कि ये सभी के सभी जो कंपाउंड है वो हमें OH- दे रहे हैं, इसका मतलब ये बेस है। ठीक है, देखिए हम अभी आपको बता रहे हैं और आप कम से कम इतनी चीजों को तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो बचेगा मैं उसको सब एक जगह पे इकट्ठा करके सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। दोबारा इसको पढ़ने के बाद आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये है कि आप बुक्स अपनी लिटरेचर सही करने के लिए यूज कर सकते हैं कि आप लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे, लेकिन समझना जरूरी है, लिखने के लिए समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये बात मैंने समझाई कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेस और व्हाट आर द इंडिकेटर्स या क्या होते हैं। क्लियर, आपको इतनी बात समझ आ गई। अब जो हमारा अगला पॉइंट है उसका नाम है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस के रिएक्शंस को हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि क्योंकि इनका किस प्रकार से बिहेवियर है। ठीक, आपके सामने जो यहाँ पे दिया गया है ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये सब जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी और दो प्रॉपर्टी जिसके अंदर कोई भी प्राकृतिक अवस्था में कोई चीज कैसे पाई जाती है उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं आपको फिर से बताता हूं कि कोई भी केमिकल प्राकृतिक अवस्था में जिस रूप में मिलता है उसे फिजिकल कहा जाता है, लेकिन जब वो किस प्रकार के रिएक्शन को शो कर सकता है, वो उससे क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं, उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जस्ट वी आर जस्ट डीलिंग नाउ। ओके, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, यानी बेस और एसिड्स की रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पहला ये है रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक, यानी पहला हमारा जो हमारी बात होगी वो ये होगी कि जो हमारा एसिड है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है, यानी एसिड या बेस जो है वो किस प्रकार से मेटल से रिएक्शन करता है। आप बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, लिखा है कि चाहे बेसिड हो चाहे एसिड हो। ठीक है, यानी सॉरी, चाहे बेस हो चाहे एसिड हो, जब इसकी रिएक्शन हम मेटल के साथ कराते हैं तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। सॉरी आई मेड मिस्टेक, वाटर इज नॉट अवेलेबल हियर, इट इज हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये। ठीक है, बेस और एसिड की रिएक्शन, बेस या अथवा एसिड की रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराई जाती है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। आपके सामने मैंने ये कोड लिख दिया है। अब हम दो रिएक्शन लिखते हैं। अब देखिए, जिंक एक मेटल है और इसकी एक रिएक्शन 2HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मैंने कराई, तो देखिए बना है साल्ट ZnCl2 प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस निकल गई। अगर आपको वो कोड पता होगा तो आप साल्ट बना लीजिए और हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक मेटल की रिएक्शन अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आप हाइड्रोजन गैस को निकाल दीजिए, बाकी जितना बचे उसको लिख दीजिए। ठीक है, अच्छा अगर हम बेस में देखें तो 2NaOH प्लस Zn, अगर हम बेस की रिएक्शन जिंक के साथ देते हैं, मेटल के साथ कराएं तो बन जाएगा सोडियम जिंकेट। क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। क्लियर, बहुत आसान है रिएक्शन विद मेटल। हमें फिर से ध्यान हो गया कि अगर हम किसी एसिड या बेस की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। आप हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए, जितना बचेगा उसको लिख दीजिए, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सेकंड है, इसको बोलते हैं रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का मतलब होता है MCO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है MHCO3। अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो हमें मिलेगा साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। अब हम रिएक्शन करते हैं, दिस इज कोर एंड दिस इज रिएक्शंस। अब देखिए लिखा है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसकी रिएक्शन मैंने 2HCl से कराई विच इज एन एसिड, इट गिव्स आउट 2NaCl विच इज साल्ट एंड CO2 एंड H2O। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जो पार्ट है वो ये पार्ट है कि आप CO2 और H2O निकाल दीजिए, बाकी जितना बच जाएगा उसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ऐसे ये देखिए, ये लिखा है मेटल कार्बोनेट। अब हम आ जाते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए लिखा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन 2HCl से कराएंगे, रिएक्शन वही होगी NaCl प्लस CO2 प्लस H2O।
मैंने आपको बताया है, इक्वेशन मैंने सिखा दिए, मैंने इसमें इक्वेशन का प्रयोग नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आप उसको खुद कीजिएगा क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। फिर लिखा है, अब अगर यहाँ पे जो CO2 गैस मिली है, अगर इस CO2 गैस को, ये जो CO2 गैस आपके सामने यहाँ पे दी गई है, अगर इसको डायरेक्टली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसमें अगर हम पास कर दें तो हमें मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और हमें क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वाटर मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसी कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम रिएक्शन करा दें तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में इस्तेमाल ये किया जाएगा। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चार रिएक्शंस आप अगर याद करेंगे तो ये रिएक्शन आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक। तीसरा देखिए लिखा है, विद एसिड एंड बेस, ठीक। जब कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो साल्ट प्लस वाटर बन जाएगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन का या किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर ये कहा गया कि साल्ट और वाटर बनता है कब, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, एसिड लिया मैंने HCl और बेस लिया मैंने NaOH, इट गिव्स आउट NaCl प्लस H2O, ये NaCl बनाएगा और H2O बन जाएगा, विच इज NaCl यहाँ पे साल्ट है और यहाँ पे वाटर है, H2O इज अ वाटर, ओके। चलिए अब इसमें जो मैंने आपको बातें बताई है, कम से कम एक दो तीन तीन रिएक्शन में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगली जो हमारा जो इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसको हम अच्छे से और डील करेंगे। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, All bases do not dissolve in water, यानी सभी के सभी बेस पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। सभी बेसेस पानी में डिजोल्व नहीं होते, यानी all bases do not dissolve in water. An alkali is a base. अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है जिसका नाम अल्कली, ठीक है। बहुत सारे लोग बच्चे परेशान रहते हैं कि सर what is अल्कली, ठीक है। तो अब देखेंगे an alkali is a base, यानी एक अल्कली ऐसा बेस होता है दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाता है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सभी के सभी जो बेसेस होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, लेकिन ऐसा कोई बेस जो पानी में घुल जाता है उसे अल्कली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ऐसे बोल सकते हैं। दे आर सोपी, अगर हम अल्कली को देखेंगे तो अल्कली कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। सोपी का मतलब होता है छूने पर ये चिकने जैसे होते हैं, टू टच। एंड बिटर एंड कोरोजिव, बिटर का मतलब होता है कड़वे होते हैं और कोरोजिव का मतलब होता है अगर ये स्किन पे पड़ जाएंगे तो स्किन की टैनिंग हो जाएगी, चेयरिंग हो जाएगी, यानी जो स्किन है वो उसका नुकसान हो सकता है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वॉट इज अल्कली तो आप बोलेंगे द बेस विच डिजॉल्व इन वाटर इज नोन एज अल्कली। क्लियर है? चलिए यहाँ पे कुछ मैंने नेचुरल एसिड्स के नाम लिखे हैं, उन एसिड्स को, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ मतलब केमिकल एसिड्स के नाम लिखे हैं जो रॉक से इनऑर्गेनिक हैं, और यहाँ पे कुछ नेचुरल एसिड्स के नाम लिखे हैं। आप याद कीजिएगा कि कौन से एसिड किस में पाए जाते हैं। जैसे लिखा विनेगर, इसको गांव में सिरका बोलते हैं, ठीक है। तो ये विनेगर है, इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। सेकेंड है जिसको बोलते हैं ऑरेंज, ऑरेंज में संतरा, इसके अंदर पाया जाता है बेटा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तीसरा है जिसको बोलते हैं टेमेरिन, माने इमली होता है, इसके अंदर पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और आते हैं मिल्क, मिल्क के अंदर जो पाया जाता है वो कहलाता है लैक्टिक एसिड, सभी लोग इससे वाकिफ होंगे आप लोग। लेमन, ये इसके अंदर जो पाया जाता है उसे साइट्रिक एसिड बोलते हैं। और आंट स्टिंग, आंट स्टिंग का मतलब ये होता है जो चींटी लोग डंक मारते हैं या जो मधुमक्खी लोग डंक मारते हैं, उसके अंदर पाया जाता है मेथेनोइक एसिड। क्या पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड। प्यार से हम इसे फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये आगे लिखा है निटिल स्टिंग, निटिल स्टिंग, ये मतलब आप ये समझ लीजिए इट इज वेरी डेंजरस, ओके। निटिल स्टिंग इट इज वेरी डेंजरस इन नेचर, इसमें भी पाया जाता है मेथेनोइक एसिड, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है क्या होगा ये, ठीक है। आपने एक शब्द सुना होगा जिसको बोलते हैं केवांच, क्या बोलते हैं? केवांच बोलते हैं, निटिल स्टिंग इसको बोलते हैं। ये जंगलों में पाया जाता है और जो लोग जंगल में जाते हैं या कहीं जंगली एरिया में रहते हैं तो वहां पे इनको ये गलती से लग जाता है, केवांच जो है वो गलती से लग जाता है। इससे क्या होता है? पूरे शरीर में खुजलाहट होती है, ठीक है, जिसको केवांच बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, इसकी दवाई भी वही उसकी बगल में ही रहती है जिसको बोलते हैं डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं? डॉग प्लांट। अगर आप उसको रगड़ लेंगे अपने बॉडी पे जहां पे खुजली हो रही है तो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये डॉग प्लांट जो है वो डॉग प्लांट एक बेस है
और जो आपका निटिल स्टिंग है यानी जो केवाच है वो एक एसिड है, तो दोनों न्यूट्रलाइज होकर साल्ट प्लस वाटर बना लेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जहां रोग होता है वहीं पे क्या होती है, दवा होती है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। मैंने साल्ट के बारे में भी जिक्र नहीं किया है, जो हमारी अगली वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर होगा जो हम आपको बताएंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको जानना जरूरी है। वो आप समझ लीजिए कि वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आना तय है, इस तरीके से होता है, कम से कम वो दे तो देगा ही। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो साल्ट से में बनते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा हुआ, बेकिंग सोडा हुआ, ये सारी चीजें मिलते हैं। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये सभी का बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाए, उनको कोई परेशानी नहीं हो। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, नहीं, कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में तो आ जाएगा, आप अपने हिंदी लैंग्वेज में लिखिएगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इसको पढ़िए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आपके आगे आने वाली वीडियो के लिए हम प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।